खबर हल्द्वानी से है, जहां सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग बेरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। वहीं मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज का भी कहना है कि सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न कर मानव अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम यह जो हमारा मास दिवस है, इसे हम लोग चातुर्मास के रूप में मनाते हैं, और यह चातुर्मास का जो नियम है यह श्रावण मास से आरंभ होता है, और श्रावण मास का आरंभ गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही हम लोग मनाते हैं। और श्रावण मास में आज प्रथम सोमवार है श्रावण मास का, तो श्रावण मास की विशेष महिमा होती है, भगवान शिव को जल अधिक प्रिय होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी औषधि है भगवान शिव को जल, भगवान शिव को बिलपत्री और भगवान शिव को धूप के द्वारा और दूध के द्वारा उनका अभिषेक करके अपने जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि श्रावण का मास भगवान शिव की आराधना के लिए बनाया गया है, और भगवान शिव की आराधना इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो भगवान से उसे पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान से ही हमारे आराध्य हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें ओम न लगाए, इसलिए ओम भगवान शिव का रूप होता है, और नमः शिवाय इसीलिए हम लोगों को ओम नमः शिवाय के द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए, और हो सके तो ज्यादातर पार्थिव पूजन मन होता है तो मिट्टी के पार्थिव बना करके उसे आप रख करके उसे बिल पत्र है धूप है तुलसी है धूप जी नैवेद्य आरती की करके भगवान शिव की आराधना कीजिए, तो भगवान शिव की आराधना करने से आपको निश्चित ही अनेक प्रकार के फल मिलेंगे, और निश्चित ही जो श्रावण का पावन अवसर है यह कल्याणकारी होता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में साल में एक बार आता है, इसलिए जितनी भगवान शिव की आराधना कर ले, भगवान शिव का जितने ज्यादा से ज्यादा पूजन कर ले जप कर ले तो मनुष्य की जितनी भी कमियां होती सब दूर हो जाती है, केवल शिव की आराधना से।